हेलो एवरीवन, मैं हूँ रजनी कटारिया एंड वेलकम माय चैनल। दोस्तों, आज मैं सन की बात करने वाली हूँ। प्लैनेट्स के जो किंग हैं, हमारी कारक सोल के कारक हैं, अथॉरिटी लेवल के कारक हैं, फादर फिगर के कारक हैं, हमारी बॉडी की वाइटैलिटी के कारक हैं, उसके अलावा हमारे फेम और डीफेम के कारक भी हैं। हमें क्या पोस्ट मिलेगी, कितने बॉसेस के साथ हमारे रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे, कितना ज़्यादा हम फ्यूचरिस्टिक हैं, उसके अलावा हमारा विजन क्या है, सारी चीज़ें सन बताते हैं। सन से ही हमें पता चलता है, सोल के कारक जिसने बताया। सन ट्रांजिट करने वाले हैं इन वर्गो में 16 सितंबर को और वहाँ पर वो रहेंगे 17 अक्टूबर तक। वर्गो साइन की थोड़ी सी बात करते हैं। वर्गो साइन जो है, उस साइन का मतलब है कि आपकी अपॉर्चुनिटीज। कालकुशा कुंडली में 6th हाउस इसको दिया गया है। उसके अलावा आप कितनी कैलकुलेशन के साथ काम करते हैं, आपका कितनी अपॉर्चुनिटीज आप लेते हैं, आप किस तरह से अपने रूटीन काम करते हैं, कितना प्रारब्ध कर्मा करते हैं, आपका डे रूटीन जो काम करते हैं, डे बाय डे जो करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं वर्गो साइन। उसके अलावा आपकी रूटीन जॉब, रूटीन वर्क, आपकी एक होता है ना कि हाँ ये काम मुझे रोज करना है मेरी जिंदगी में, चाहे कोई भी हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे पढ़ाई करने जाना, जो भी है। उसके अलावा वर्गो साइन कारका होते हैं आपके रोग के, आपके लोन्स के, लोन मैनेजर होता है आपका वर्गो साइन। उसके अलावा वर्गो साइन होते हैं आपके दुश्मन के, ठीक है, तो उसमें वो ट्रांजिट करने वाले हैं। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इस समय वर्गो साइन में पहले से बैठे हुए हैं केतु। केतु के साथ कंजक्शन बनाने वाले हैं। बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जिनका साथ में इस वक्त मिलने वाला है। ऑलरेडी से वहाँ पर वीनस है, लेकिन वीनस 2 दिन बाद ही ट्रांजिट कर जाएंगे लिब्रा में, तो वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालने वाले हैं। लेकिन केतु तो वहीं है, वहीं बैठे रहेंगे, तो वहाँ से सन को इफेक्ट डाल रहे हैं। उसके अलावा वहाँ पर आ जाएंगे मरकरी 23 तारीख को आ जाएंगे, वहाँ पर वो रहने वाले हैं 17 दिन के लिए, तो काफ़ी लंबा समय उनके साथ में गुजारने वाले हैं। मरकरी का इफेक्ट भी आएगा और वर्गो के लॉर्ड खुद मरकरी है। उसके अलावा अब और दूसरी बात करते हैं। सन के ऊपर इस समय एस्पेक्ट्स जो पड़ रही है, वो 3 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्लैनेट्स की पड़ रही है, जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं हमारी लाइफ पर, हमारी लाइफ को बहुत अच्छे से कंडक्ट करते हैं। पहला प्लैनेट है, वो है जुपिटर। जुपिटर की 5th एस्पेक्ट इस समय आ रही है वर्गो साइन पर। नंबर है तो राहु, राहु की 7th एस्पेक्ट आ रही है इस समय वर्गो के ऊपर। उसके अलावा तीसरा प्लैनेट है, वो है मार्स। मार्स की 4th एस्पेक्ट आ रही है, वो भी वर्गो के ऊपर। तो इस समय सन जो जैसे ही जाएंगे वर्गो में, और मरकरी तो आ ही जाएंगे, तो आप ये देख सकते हैं कम से कम 6 से 7 प्लैनेट्स हैं उनका कॉम्बिनेशन इस समय सन के ऊपर आने वाला है, और सन के ऊपर इफेक्ट्स आएगा। सन की जो एनर्जी हम तक आएगी, उसमें इन सारे प्लैनेट्स का कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन आएगा। और केतु तो साथ में बैठे हुए, सारे जोड़े से आपके बताने वाले क्या असर होगा अगले 1 महीने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं एरीज वालों की। एरीज वालों के लिए सन ट्रांजिट करने वाले हैं आपके 6th हाउस में। इस समय आप अपनी अपॉर्चुनिटीज को लेकर के बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे, बहुत ज़्यादा एनर्जी आएगी इस समय आपको। 1st हाउस का लॉर्ड है वो, उसका भी एनर्जी इस समय आ रही है। इस समय आप ये सोचेंगे कि मुझे मेरे को किस तरह से जॉब करनी है, या मेरे रूटीन वर्क में, या आपके प्रारब्ध कर्मा में एक अलग तरह की एनर्जी इस समय आप देने वाले हैं। उसके अलावा इस समय आपकी कम्युनिकेशन पावर भी आप बहुत अच्छे से बढ़ाएंगे, ठीक है। इस समय आप, हो सकता है कि कोई जॉब, अगर आपने वेट कर रहे थे जॉब के लिए, तो इस समय आपकी कोई विदेश में जॉब लग सकती है, अगर आपने अप्लाई कर रखा था तो। राहु आपके 12th हाउस में इस समय, ठीक है। उसके अलावा इस समय आप अपने जो भी आपके जो काम है, जो एजुकेशन है, जो आपने जो पढ़ाई करी है, जो पढ़ाई कर रहे हैं, उसको एक डिफरेंट तरीके से देखेंगे, और आप ये देखेंगे कि मेरी पढ़ाई या मेरे ज्ञान का यूज़ मैं किस तरह से करूं। अगर स्टूडेंट हैं तो आप बड़े और ज़्यादा ऊंची पढ़ाई करने के लिए बाहर जा सकते हैं, विदेश जा सकते हैं। उसके अलावा जॉब के लिए बहुत अच्छा समय है इस समय। अगर आप जॉब में ऑलरेडी हैं, तो इस समय आपका इंक्रीमेंट हो सक्था है, पैसा आएगा आपके पास इस समय, क्योंकि जुपिटर आपके 2nd हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय, ठीक है। उसके अलावा कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्टाइल जो तरीका है, उसको बढ़ाएंगे। इस समय आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम मिलेगा आपके सराउंडिंग लोगों का। इस समय आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक के साथ काम करेंगे अपने 6th हाउस में। समय बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं पढ़ाई की बात कर लूँ, मैं आपकी जॉब की बात कर लूँ, मैं आपके बिजनेस की बात कर लूँ, रूटीन काम भी आप कर रहे हैं, तो भी समय बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। इस समय आपको बॉसेस की तरफ से कोई एक सपोर्ट सिस्टम मिलना, फादर की तरफ से सपोर्ट सिस्टम मिलना, फादर फिगर की तरफ से सपोर्ट सिस्टम मिलना। उसके अलावा इस समय आपको कोई बहुत अच्छी एडवाइस मिल सकती है,
हो सकता है आप घर का कोई बिजनेस है उसको आप ज्वाइन कर लें, या घर वालों के हिसाब से चलें, या अच्छा पैसे कमाने वाला इंसान जो कि घर का ध्यान भी रखता है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाता है, इस तरह के काम आप करने वाले हैं। फैमिली सपोर्ट सिस्टम बहुत मिलेगा सेकेंड हाउस में जुपिटर मैन वाले से का। उसके अलावा ये समय आपके लोन्स के लिए बहुत अच्छा है, सब लोन चुकाएंगे, आपके कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज के लिए बहुत अच्छा है, हेल्पिंग नेचर तो आपको सब जगह से मिल ही रहा है, टाइम बहुत अच्छा है, आपको एनर्जी मिलेगी, कहीं ना कहीं रोगों से भी दूर होंगे। उसके अलावा कहीं ना कहीं अपनी हर्डल्स को दूर करेंगे, सिक्स आपका हर्डल्स है, हर्डल्स को दूर करेंगे समय विथ योर वाइटैलिटी, वेरी गुड टाइम फॉर यू, बहुत अच्छा समय आपके लिए। आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, वो है कि आपको कोई भी हेल्थ इश्यूज अगर ऑलरेडी से थे, क्योंकि केतु वहाँ पर बैठे, हो सकता है कि वो निकल करके इस समय बाहर आ जाए, जिनको आप अवॉइड करते ना, ठीक है देख लेंगे, पुराना कोई हेल्थ इश्यूज चल रहा था, हो सकता है सडनली वो चीज़ आपको निकल करके बाहर आ जाए और आपको उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो, जिसको हम अवॉइड कर देते हैं ना हेल्थ इश्यूज, वो आ सकते हैं। उसके अलावा अगर पुराना कोई लोन हो सडनली आ गया, अब उसको चुकाना पड़ेगा। केतु पांच चीज़ों को दिखाता है, पांच कर्मास को दिखाता है, कार्मिक प्लैनेट है, ठीक है। उसके अलावा हो सकता है कि पास में किसके साथ दुश्मनी चल रही हो और सडनली बाहर निकल करके आ गया कि अब मैं आपको परेशान करूंगा, ये चीज तरह की हो सकती है। पास्ट में कुछ प्रॉब्लम थी वो निकल करके आ सकती है, लेकिन बाकी अब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा समय आपके लिए होने वाला है। अपनी अपॉर्चुनिटी को और अपनी वाइटैलिटी को इस समय आपको काम में लेना है, टाइम बहुत अच्छा है, विदेशों से अगर संबंध है तो भी समय बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत अच्छा समय, करियर के लिए बहुत अच्छा समय, बहुत कैलकुलेटिव, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय, गुड टाइम फॉर यू, गुड टाइम, वेरी गुड टाइम। और सन आपके व्यक्ता उसके लॉर्ड है, तो बहुत फ्यूचरिस्टिक और विजन वाला इंसान निकल करके बाहर आने वाला है। अब बात करती हूँ मैं टॉरस वालों की, आपके सेकेंड हाउस, आपके फिफ्थ हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं। इस समय आप अपने घर को लेकर के तो बहुत ज़्यादा सीरियस होंगे कि मैं रहता कहाँ हूँ, या मुझे किस तरह से रहना है, या फिर मासेस में मेरी क्या स्थिति है, लोगों के सामने मेरी क्या स्थिति है, मेरी इमेज है, इस चीज़ को आप इस समय बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। उसके अलावा इस समय डेफिनेटली आप कुछ ऐसा काम करेंगे जिसकी वजह से आपकी पर्सनलिटी में चेंजेस आएंगे बड़े लेवल के, पैसा जोड़ेंगे, पैसा कमाने वाले भी हैं। उसके अलावा इस समय सडनली आपकी पैकेज में इंक्रीमेंट आपको मिल सकता है, बड़े लेवल का कोई प्रॉफिट या बड़े लेवल का कोई ऐसा पैकेज ऑफर हो गया, या कोई बिजनेस में भी थे तो कोई प्रॉफिट आपके पास आ गया। अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हैं तो इस समय आपको बहुत अच्छे लेवल पे कॉलेजेस मिल सकते हैं, या जो आपका रिजल्ट आने वाला था वो आपको बहुत ही पॉजिटिव मिलने वाला है। इस समय आपको आपके बॉसेस की तरफ से बहुत सपोर्ट सिस्टम मिलने वाला है। उसके अलावा कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कि यू फील वेरी पावरफुल ऑल्सो, फिजिकल लेवल को लेकर के अगर बात करती हूँ, पैसा कमाएंगे भी और जोड़ेंगे भी, एफडीज जोड़ेंगे इस समय, एफडीज को बढ़ाएंगे इस समय, फ्यूचरिस्टिक बनेंगे, कितना पैसा कमाना है कितना पैसा जोड़ना है, अपनी पर्सनलिटी को बदलेंगे। उसके अलावा कहीं ना कहीं आपका ज्ञान और आपकी जो नॉलेज है उसको बहुत नया आयाम भी मिलने वाला है, बहुत अच्छा समय। इसके बाद कोई पोजिशन ऊँची होगी, मान लीजिए आपको कोई इंक्रीमेंट तो मिल ही गया, कोई प्रमोशन होने के बाद अच्छी पोजिशन मिल गई, अगर पॉलिटिक्स में है, गवर्नमेंट जॉब में है, या गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रखा था, इट इज फैंटास्टिक टाइम फॉर, बहुत ज़्यादा अच्छा समय है टॉरस वालों के लिए, फैंटास्टिक टाइम फॉर, बहुत अच्छा समय। उसके अलावा इस समय आप डेफिनेटली पढ़ाई भी करेंगे, मतलब अपने ज्ञान, ऑलरेडी पढ़ाई कर रखी तो यू आर ए ज्ञानी पर्सन, गुड एडवाइजर, गुड पर्सनैलिटी वाला इंसान, एक प्रतिष्ठा वाला इंसान जो कि समाज में जिसकी बहुत अच्छी इमेज है, इस तरह से निकल करके बाहर आना, एक्सप्लोर हो ही जाए फिफ्थ हाउस, और फिफ्थ हाउस के कारक ही है सर, नो डाउट, बहुत अच्छी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, वाइटैलिटी फील करेंगे, दैट इज वेरी गुड टाइम। अगर आपके बच्चे हैं और बड़े हैं तो उनके भी जॉब मिल सकती है, पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपके बच्चे हैं या होने वाले हैं, एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ टॉरस वालों को कि इस समय आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है, आपकी फैमिली से कोई घर नाना मेहमान आपके घर में आ सकता है, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है केतु और सन का, डेफिनेटली इस समय ऐसा होता है घर में नाना मेहमान आता है। उसके अलावा इस समय आपको आपके बच्चों की हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस बात का आपको ध्यान रखना, बाकी टाइम इज फैंटास्टिक बोलने का ज़रूरत ही नहीं है, पैसे के लिए अच्छा है, इंक्रीमेंट के लिए अच्छा है, प्रमोशन के लिए अच्छा है, स्वयं के लिए अच्छा है, पढ़ाई के लिए अच्छा है, क्रिएटिविटी के लिए अच्छा है, जैसे कि जिसमें हाथ डाल दिया वो सोना बन गया, फर्स्ट हाउस में इस वक्त आपके जुपिटर ट्रांजिट कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन वेरी गुड। जेमिनी नाइस वालों को डेफिनेटली अपने घर को बदलने की इच्छा होगी इस समय, हो सकता है कि आप अपने जैसे गवर्नमेंट से कोई आपको लोन मिलने वाला था, आपको घर बनवाना है तो वो पारित होने वाला है गवर्नमेंट बैंक से, या फिर आपको अगर आपने ऑफिस में काम करते हैं जो बिजनेस में है आपका,
वहां से कोई पैसा आपको उठाना था कि आपको आपका घर बनवाना है, घर में पैसा लगाना है, तो इस समय आपको मनी वाइज बहुत ज्यादा कंफर्टेबल चीज मिलेगी। इस समय आप अपना घर बनवाएंगे फर्स्ट हाउस में, इस समय आपके मार्स पॉजिटिव में जो कि घर के और प्रॉपर्टी के कारक होते हैं, ठीक है। घर का मकान बनवा सकते हैं, घर का मकान का स्टार्टिंग कर सकते हैं, कोई नए मकान में शिफ्ट कर सकते हैं। उसके अलावा इस समय आपको मनी वाइज अगर प्रॉब्लम आ रही थी तो वो सारी चीजें सॉर्ट होती हुई नजर आ रही है। इस समय हो सकता है कि आप जहां रह रहे हैं वहां से कहीं और जाकर के मकान बनवाएं, या कोई आपका ऑफिस से कोई आपको इशू हो गया, कोई बड़ा आपको बंगला मिल गया, कोई बड़ी गाड़ी मिल गई, इस तरह की चीजें आपको हो सकती है। एक और चीज है इस समय हो सकता है जेमिनाइज वालों को कि ट्रांसफर होकर के आपको कहीं और जाना पड़े, कहीं और रहने के लिए जाना पड़े। अगर स्टूडेंट है तो डेफिनेटली इस समय आप बाहर जाकर के पढ़ाई करेंगे तो हॉस्टल में आप डेफिनेटली घर बदलते तो हॉस्टल में रहना शुरू कर देते हैं बच्चे। इस तरह की चीजें आपके साथ हो सकती हैं। मासेस के लिए काम करेंगे, समय अच्छा है, आपकी इस पावर बढ़ने वाली है। उसके अलावा इस समय आपकी कम्युनिकेशन बड़ी को डील अगर रुकी हुई थी मकान से रिलेटेड, वो डील इस समय आप बिल्कुल 200% करेंगे कि हाँ मुझे मकान लेना है। प्रॉपर्टी से लेकर या आपके फिक्स एसेट से लेकर के कोई बड़े लेवल की डील इस समय आप करने वाले हैं, नो डाउट। खर्चा भी होगा, जब मकान लेता है इंसान तो डेफिनेटली खर्चा होता ही, ठीक है। फादर से पैसा मिल सकता है, बॉसेस से कोई पैसा रुकना था वो मिल सकता है, मनी विल बी देयर नो डाउट। एनर्जी के साथ काम करने वाले हैं अपनी प्रॉपर्टी को लेकर के, हो सकता है प्रॉपर्टी बिजनेस में आपकी एंट्री हो जाए, नई गाड़ी ले सकते हैं, दिट इज अ वेरी गुड टाइम फॉर यू नो डाउट। इस समय बहुत एनर्जी के साथ काम कर रहे हैं, मुझे मेरा घर बदलना है, नया मकान नई गाड़ी है, दिस इज थिंग प्रॉपर्टी से रिलेटेड या आपके फिक्स एसेट से लेकर के। हो सकता है कोई नई एग्रीकल्चर लैंड आप इस समय ले लें, या आपके फादर की कोई लैंड थी या उनका मकान था उसको वो आपके पास इस समय आ जाए, कैन बी पॉसिबल, दिस इज गुड थिंग फॉर द प्रॉपर्टी। लेकिन और डील भी आप करेंगे, लेकिन एक चीज मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि इस समय आप बहुत एंजाइटी काम हो सकता है आपके अंदर आए, या सडनली आप बहुत ज्यादा ट्रेवलिंग करें बिकॉज ऑफ द थिंग्स, मकान बनवा रहे तो डेफिनेटली भागदौड़ करनी पड़ेगी, जॉब के लिए भागदौड़ करनी पड़ सकती है, शिफ्टिंग करें तो भागदौड़ करनी पड़ सकती है, क्योंकि एंजाइटी इज देयर और ट्रैवलिंग इज देयर। उसके अलावा इस समय आपको आपका स्वयं का ध्यान तो रखना ही है, आपकी माता की हेल्थ का ध्यान रखना इस समय आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, डेफिनेटली कोई हेल्थ इश्यूज से तो ध्यान रखिएगा, पास में कोई हेल्थ इश्यूज से उसका ध्यान रखिएगा। तो इसमें बात करती हूँ मैं कैंसर वालों की, कैंसर वालों के ट्रांसिट करने हैं आपके थर्ड हाउस में। इस समय डेफिनेटली आपको आपके लिए वो कह रहे हैं कि इस समय आप बहुत ज्यादा देखिए, आपके 11th हाउस में इस समय जुपिटर है, 9th हाउस में इस समय आपके राहु है, और 3rd हाउस में इस समय आपके आ गए हैं सन, ठीक है। इस समय आपके मार्स जो है आपके 12th हाउस में ट्रांसिट कर रहे हैं, ये सारे कॉम्बिनेशन जो बन रहे हैं, इन सब कॉम्बिनेशन की वजह से कहीं ना कहीं आपका कोई विदेशों से बड़े लेवल का संबंध बनने वाला है, चाहे आपके करियर की बात कर लूँ चाहे आपकी कमाई की बात कर लूँ। इस समय आप अगर अप्लाई कर रखा था तो विदेशों से आपको कोई बहुत अच्छा ऑफर मिल सकता है। इस समय आप काफ़ी चीज़ें चेंज होगी, आपके कमाने के तरीके में चेंज हो सकती है, या हो सकता है कि आप इस समय अपनी पर्सनलिटी को भी चेंज करें, एक पावरफुल पर्सनलिटी इस समय आपकी होगी। कहीं ना कहीं इस समय आप विदेशों में यात्रा कर सकते हैं, जा सकते हैं, पढ़ने के लिए बाहर जा सकते हैं, जॉब के लिए बिजनेस के लिए बाहर जा सकते हैं। उसके अलावा इस समय आपका कमाई का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, स्पेशली आप हो सकता है सडनली आपको इंक्रीमेंट हो, या सडनली आपके फादर की तरफ से या फादर फिगर की तरफ से आपके पास कोई बड़ा पैसा आए, ठीक है। या फिर अगर आप सेल्स मार्केटिंग में हैं तो वहाँ आपकी बहुत अच्छी ग्रोथ होने वाली है, दिस वेरी गुड टाइम फॉर यू। लेकिन ट्रैवलिंग इज देयर, बड़ी ट्रैवलिंग और छोटी ट्रैवलिंग कुछ भी हो सकता है, विदेश भी जा सकते हैं आप, जैसे देश में भी घूम रहे हैं आज, ट्रैवलिंग इज देयर, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग इस समय आप करने वाले हैं, टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन मार्स बिकॉज ऑफ द 12th हाउस में है, कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ अननोइंग थिंग्स आपको फेस करनी पड़ जाए इस समय। इसमें हो सकता है कि सडनली आप अपना जॉब को छोड़े और कुछ दूसरा जॉब ढूंढें तो वहाँ आपको ट्रैवलिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी, या सडनली आप चीज़ों को बदल लेंगे, स्पेशली आपकी जॉब की बात कर लूँ, या फिर आपके सराउंडिंग लोग अगर आपको सपोर्ट सिस्टम दे रहे हैं तो वो उस तरीके से देंगे कि आप कुछ नया करें, बट ट्रैवलिंग इज देयर नो डाउट। उसके अलावा आपके फादर के बिजनेस में पैसा आपके पास आने वाला है, कोई इनहेरिटेंस भी आपको मिलने वाला है नो डाउट। इस समय आप डेफिनेटली पैसा भी जोड़ेंगे, कमाएंगे भी, इस समय आपका बैंक भी भरेगा, कम्युनिकेशन पावर आपके पास में आने वाली है, समय बहुत ज़्यादा अच्छा है,
नई अपॉर्चुनिटीज के लिए, उसके अलावा इस समय नई स्किल्स आप सीखिए, नई चीजों में एफर्ट्स लगाइए। इस समय आप लोगों से जितना बात करेंगे, अपने आपको फैलाएंगे, उतना आपके लिए प्रॉफिट रहने वाला है। थोड़े हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा आपके सिबलिंग का हेल्थ का ध्यान रखना है। ट्रैवलिंग करेंगे तो जितना घूमेंगे फिरेंगे उतना बेटर है, मेरा कहने का मतलब। वॉक कीजिए, गुड टाइम फॉर सेल्स मार्केटिंग अच्छा है, फ्रेंड सर्कल की तरफ से अच्छा है, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, दिस इज गुड टाइम फॉर, नो डाउट, गुड टाइम। लेकिन हेल्थ इश्यूज में होता है, सिबलिंग की तबियत का ध्यान रखिएगा, उसके अलावा अपने फादर की तबियत का भी आपको इस समय ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। बट जितना आप वॉक करेंगे, जितना आप मूवेबल रहेंगे फिजिकल रूप से, उतना ज्यादा चीजें बेटर है। मार्स जो है ना, मार्स को चाहिए मूवेबल इंसान, हेल्थ इश्यूज नहीं होते उस इंसान, वेरी गुड टाइम, नो डाउट। कुछ नई उस कम्युनिकेशन डिवाइस आप खरीद सकते हो। हेल्थ इश्यूज अगर आपको ठीक करने हैं तो मैंने कहा वॉक कीजिए, उसके अलावा अगर आपको हेल्थ इश्यूज का ज्यादा प्रॉब्लम है तो ब्लड डोनेट कर सकते हैं, दैट इज गुड टाइम, फादर की हेल्थ का ध्यान रखिएगा। अब बात करती हूँ मैं लियोज वालों की। लियोज वालों के ट्रांसफर करें आपके सेकंड हाउस से, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में आ रहा है। सारा दिमाग जाएगा कि पैसा कैसे जोड़ना है, सारा दिमाग जाएगा कि मुझे कैसे अपनी फाइनेंशियल स्थिति को स्ट्रांग बनाना है। 200% लियोज वालों को इस समय कोई बड़े लेवल का इनहेरिटेंस से पैसा आएगा। हो सकता है आपको कोई नाम करके नाम कर दे, कोई फादर फिगर की तरफ से पैसा आने वाला था, रुका हुआ पैसा वो आ जाएगा, हेरिटेज मिल सकता है, सडनली आपको लगेगा कि आपके पास बहुत सारा पैसा आया है, आएगा आएगा, वो तो आएगा आएगा। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आप अपने लीनेज का बिजनेस है उसको ज्वाइन कर लें, या सडनली आपको कोई रुका हुआ पैसा भी आ सकता है फ्रॉम योर बिजनेस, फ्रॉम योर जॉब। कोई रुका हुआ पैसा था, आने वाला था, आने वाला, सडनली आपको लगेगा पैसा आ गया है। इस समय आप फिजिकली रूप से बहुत अच्छे सशक्त इंसान बन के निकलने वाले हैं, ठीक है। जिम्मेदारियां लेकिन आपके ऊपर आने वाली है, सडनली आप उत्तराधिकारी बना दिए जाए किस चीज के, सडनली आपके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए, आपके घर की, आपकी फैमिली की, आपके लिनियज की, आपके कुटुंब की, सडनली आपको सारा काम करना है। मार्स 11th हाउस को ट्रांसफर करना है इस समय, और 4th एस्पेक्ट से देख रहे हैं सेकेंड हाउस को, सडनली आपको लगेगा कि मुझे ही सब कुछ करना है, ठीक है। इस तरह की चीजें आपको हो सकती है। उसके अलावा इस समय जाना चेंजेस करेंगे, बहुत सारी चीजों में चेंजेस करेंगे इस समय। बिजनेस की बात कर लूँ, जॉब की बात कर लूँ, पढ़ाई की बात कर लूँ, कैन बी पॉसिबल, लेकिन इस समय आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तैयार रहना जरूरी है। पैसा आएगा, पैसे को संभाल के रखना है, फैमिली के लिए काम करना है, रेस्पॉन्सिबल इंसान बनना है, अपनी वाइटालिटी को स्ट्रांग बनाना है, काम करना है, एक ऐसा जिम्मेदार इंसान जो कि फैमिली के लिए काम करता है, कुटुंब को संभालता है। सन सेकेंड हाउस में आ रहा है, कुटुंब का हेड इस समय आपको हो सकता है बना लिया जाए, कैन बी पॉसिबल, ठीक है। उसके अलावा ऐसा इंसान जो कि घर के लिए काम करता है, पता है पहले फ्री थे, इट्स ओके, एवरीथिंग इज ओके, नहीं, अब आपको वो सारे काम करने जो आपकी फैमिली को जरूरत है। उसके अलावा इस समय आपको अपने डाइजेशन सिस्टम का भी ध्यान रखना है। उसके अलावा इस समय आपको आपके घर में जितने फादर फिगर्स हैं जो बड़े हैं आपसे, उनकी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली आपके फादर का ध्यान रखना, या आपके बड़े जो भी आपके घर में है मेल पर्सन जो है स्पेशली, उनकी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सडनली पैसा भी आएगा आपके पास, मनी सडनली आ सकती है बहुत सारा, बट हो सकता है कि वो कुछ मिस हैपनिंग के बाद आपके पास आए, कैन बी पॉसिबल। अपने कंधों को मजबूत कर लीजिए, बड़ी तरह बड़े लेवल की आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज में मिल सकती है। हो सकता है सडनली फादर आपको पूरा बिजनेस संभाला दे कि अब तुम्हें संभालना है, और फिर आपको सारा काम संभालना पड़े, कैन बी पॉसिबल। वर्गोज वालों की बात करें, आपके फर्स्ट हाउस में ही आने वाले, आपके 12th हाउस के लॉर्ड हैं, ठीक है। इस समय आप सडनली ऐसा होता है ना, और राहु आपके 7th हाउस में ट्रांसिट कर रहे हैं, केतु फर्स्ट हाउस में है, उसी के साथ में आने वाले हैं, ठीक है। गुरु जुपिटर आपके 9th हाउस में ट्रांसिट कर रहे हैं, ठीक है, और मार्स सिस्टम ट्रांसिट कर रहे हैं आपके 10th हाउस में, ठीक है। इस समय हो क्या रहा है, आपको अगर आप सबसे पहले पॉजिटिव बात करते हैं, अगर आपका कोई विदेश में कोई बिजनेस है, जॉब है, या पढ़ाई करते हैं, तो इस समय आप ऊंचाइयां छू सकते हैं इस समय। उसके अलावा इस समय आप विदेशों में ट्रैवलिंग करेंगे बिकॉज ऑफ योर करियर, किस्मत के अनुसार ही आपको बाहर जाना पढ़ना जाना पड़ेगा। उसके अलावा अगर पढ़ने जाने वाले थे तो इस समय आपके वीजा पेपर एवरीथिंग विल बी क्लियर, और आपको मतलब कि एक ऑटोमेटिकली सारी राहें खुल गई, इस तरह की चीजें होगी अगर आपका विदेशों से कोई भी संबंध है तो, रिगार्डिंग और करियर की बात करेंगे।
पढ़ने के लिए जाते हैं, बिजनेस के लिए जाते हैं, जॉब के लिए अप्लाई कर रखा था, प्रमोशन हो सकता है, बड़े लेवल की एक सफलता इस समय आपको विदेशों से मिल सकती है। 12th हाउस का लॉर्ड है, फर्स्ट हाउस पे आ रहे हैं, ट्रैवलिंग करवा रहे हैं, बट ट्रैवलिंग इन द पॉजिटिव मैनर। उसके साथ साथ इस समय आपकी पब्लिक इमेज भी बहुत अच्छी होने वाली है कि इंसान बहुत ज्यादा एक है ना कि गुड पर्सन है जो कि बहुत सफल है, प्रोग्रेस करके आया है यहाँ पर, जिसका बहुत अच्छा बिजनेस है, जिसकी समाज में बहुत अच्छी एक रेपुटेशन है। इस तरह की चीजें आपको मिलने वाली है। ये समय वर्गोज वालों की अगर बात करती हूँ आपकी करियर का, तो टॉप का करियर का समय है ये। 10th हाउस में आपके मार्स ट्रांजिट कर रहे हैं जो कि एग्जॉल्टेड है इस समय यहाँ पर, और जो भी मरकरी में है यानी कि जेमिनाइज में काम है, और जेमिनाइज और वर्गोज दोनों का जो लॉर्ड है वो एक ही, वो है मरकरी, वो फर्स्ट हाउस में आने वाला है। तो इस समय वर्गोज वालों को तो करियर की बिल्कुल ऊंचाइयां मिलने वाली हैं। किस्मत साथ देने वाली है क्योंकि जुपिटर 9th हाउस में बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट सिस्टम मिलेगा आपके ज्ञान का, आपकी एजुकेशन का। कोई बहुत बड़े लेवल का मतलब कि रुका हुआ जो काम है ना, सडन होता हुआ नजर आएगा कि ये तो ऑटोमेटिकली होता चला जा रहा है, एफर्ट्स करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि सब ऑटोमेटिक हो रहा है। मार्स 10th हाउस में एग्जॉल्टेड है, जुपिटर 9th हाउस के कारक है, डेस्टिनी के देवता है वहां पर बैठे हुए हैं, और राहु 7th हाउस में बैठे हुए हैं। इस समय होता है कि पांचों उंगलियां घी में सिर कड़ाई में, वो वाली स्थिति हो रही है आपकी। और फर्स्ट हाउस में आपके आकर के बैठ गए हैं सन। कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी, आपकी थॉट प्रोसेस, आपकी सारी जो भी ऊर्जा है उसको इस समय आप काम पे लगाने वाले हैं। ये समय आपकी लाइफ को तो समय बदल रहा है। हो सकता है इस समय आपको एक बहुत बड़े लेवल का चेंजेस आए जो कि आपकी पूरी जिंदगी को बदल के रखते हैं। अगले एक महीने की बात करें क्योंकि उससे एक महीने में सारे प्लैनेट्स यहीं बैठने वाले हैं, हिलने वाला कोई नहीं। तो 16 सितंबर से लेकर के और 17 अक्टूबर के बीच का जो समय है एक महीने का, वो समय वर्गोज वालों के लिए बहुत ज्यादा बेटर होता हुआ नजर आ रहा है। जॉब की बात करूं, बिजनेस की बात करूं, पढ़ाई की बात करूं, ये तो हो ही नॉर्मल है। अगर आप सिंगल हैं तो इस समय आपको बहुत अच्छा पार्टनर मिल सकता है। उसके अलावा इस समय अगर आप ट्रैवलिंग करना चाह रहे थे, आप बहुत फसी फील कर रहे थे, वाइटैलिटी नहीं थी, हेल्थ इश्यूज हो रहे थे, सारी चीजें सॉर्ट आउट होती हुई नजर आ रही है। सामने से अपॉर्चुनिटी इस समय आपकी लाइफ में आएगी, हर तरह की अपॉर्चुनिटी समय आपको मिलने वाली। जितना एनर्जेटिक, जितना ना आलस से नहीं रखना है, मेन चीज ये आलस से बिल्कुल नहीं रखना है, अपने दिमाग को बिल्कुल शांत रखिएगा। उसके अलावा सबसे टॉप पे आपको रेमेडीज दे रही हूँ वो ये है, जल्दी उठिए और सूर्यदेव को जल चढ़ाइए। इस एक महीने में आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल सकती है, एक नया प्रोग्रेस, एक नई ग्रोथ इसमें आपको मिल सकती है। रुकी हुई चीजें एकदम फ्लो में आ जाएंगी, फैंटास्टिक, वेरी गुड। लिब्रा वालों की बात करूं, आपके ट्रांसिट वालों की बात करूं, आपके ट्रांसिट करने वाले हैं ये 12th हाउस में। सन आपके 11th हाउस के रोड है, 12th हाउस में आने वाले हैं, ठीक है। इस समय आपका राहु इस समय आपके 6th हाउस में है, जुपिटर आपके इस समय 8th हाउस में है, और मार्स इस समय आपके 9th हाउस में है। केतु के साथ में सन बैठ गए हैं आपके 12th हाउस में जाकर, ठीक है। सबसे पहले लिब्रा वालों को सबसे ऊपर जो चीज बात ध्यान रखनी है वो ये रखनी कि इस समय आपको कोई बड़े लेवल का हेल्थ इशू हो सकता है। यू शुड वेरी मच केयरफुल रिगार्डिंग योर हेल्थ। कोई इंजरी सडनली, कोई पास में कोई प्रॉब्लम थी और वो सडनली निकल करके बाहर आ गई, कोई पास में कोई हेल्थ इश्यूज कुछ भी हो सकता है, या सडनली हो सकता है कोई गाड़ी चलाने में आपको सावधानी रखनी है, या कोई किसी भी तरह के कोई हेल्थ इश्यू इस समय आपको फेस करने पड़ सकते हैं। उसके अलावा इस समय आपको एक और चीज मैं कहना चाहती हूँ, सडनली आपको ऐसा लगेगा कि मुझे यहाँ पे ये जो मतलब ना दुनिया मेरे काम की नहीं है, नेटवर्क से छुटकारा पा करके या कोई हेल्थ इश्यूज होने की वजह से या कोई मतलब ना कि पढ़ाई करने की वजह से या कुछ, आदमी से स्टक हो जाता है अपनी जिंदगी में कि बहुत हो गया, बहुत कर लिया मैंने। आइसोलेशन वाली स्थिति आपके समय आ सकती है। हेल्थ इश्यूज होते से इंसान आइसोलेशन में चला जाता है, हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, वहाँ आइसोलेट टाइप रहता है, या घर में भी है बीमार है तो कमरे में रेस्ट करता है। लेकिन मेंटली रूप से भी हो सकता है कि आप इस समय आइसोलेशन में जाने की सोचें। कैन बी पॉसिबल, अगर आपको कोई नया ज्ञान ले रहे हैं, कोई पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर आप कोई धन के बारे में कोई रिसर्च कर रहे हैं, या आप प्रारब्ध कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बिजी है, तो यू नीड नाउ, मुझे आइसोलेट होना है, मेरी वाइटलिटी वहीं पर जाने वाली है। या सडनली आपको ट्रैवलिंग के लिए निकल सकते, बैग बांधा हम गोइंग, मुझे पता है ना कि एक स्टक वाली स्थिति हो जाती है जब इंसान की, तो हो सकता है कि इस समय वो बाहर जाने की सोचे, या सडनली कोई बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करने के लिए बाहर निकल जाए,
जहां पर रह रहे हैं, जो आपकी दुनियादारी है उससे कट ऑफ वाली स्थिति इस समय लिब्रास वालों को होगी, एंड यू विल एंजॉय दिस। ठीक है, केतु वैसे वहां बैठे हुए रहता है उसमें, तो आप अपने प्रारब्ध कर्म यानी सिक्स हाउस में राहु है, तो यू ऑलरेडी वेरी मच स्टक विद दैट। तो आपको लगेगा क्योंकि केतु और जुपिटर दोनों और मिल गए, एट्थ और ट्वेल्थ हाउस आपका एक्टिव हो रहा है, तो फिजिकल रूप से आप हो सकता है बीमार हो, या फिर आप बीमार नहीं हो रहे तो बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करना या बहुत ज्यादा वॉक करना या बहुत ज्यादा अपनी फिजिकल बॉडी को संभालना कि मुझे तो एक्सरसाइज करना है। जाइए, ये ट्वेल्थ हाउस में एक्सरसाइज बहुत डिफरेंट चीज में आपको बोल रही हूँ, बट इट कैन बी पॉसिबल। सडनली इंसान ना बहुत ज्यादा जिम जाना शुरू कर देता है, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज, दो दो तीन तीन घंटे अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करता है, इस तरह की चीजें भी आप समझ सकते हैं। बट आइसोलेशन से लिटरली यू कंफर्टेबल, मतलब कि ठीक है कट ऑफ हो गया, ज्यादा बात नहीं करनी, ठीक है अपनी जिंदगी में मैं, मुझे अपनी अलग से लाइफ होनी चाहिए, इस तरह की चीजें आप कर सकते हैं, यात्राएं कर सकते हैं, आइसोलेट हो सकते हैं, लेकिन हेल्थ इश्यूज का ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करती हूँ मैं स्कॉर्पियोज वालों की। स्कॉर्पियोज वालों के ट्रांसिट कर रहे हैं आपके इलेवेंथ हाउस में। इस समय आप, पहली चीज तो ये है कि इस समय आप सडनली कुछ ऐसा काम कर सकते हैं, सडनली आप फर्स्ट हाउस का लॉर्ड आपके एट्थ हाउस में है पहले से मार्स, ठीक है, इस समय आपकी ट्रांसफॉर्मेशन तो वैसे कर रहे हैं मार्स में बैठ करके, ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं आपके थॉट प्रोसेस को लेकर के, ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं आपके अपॉर्चुनिटीज को लेकर के कि मेरी अपॉर्चुनिटीज क्या है, मैं क्या सोचता हूँ, मेरा रूटीन काम क्या है, मेरे सपोर्टर्स कौन है, मेरा नेटवर्क क्या है, उसको लेकर के ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। उसके अलावा इस समय आपके कोई नेटवर्क से कोई इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है, आप डेटिंग कर सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो इस समय आपका शादी का 200% चांसेस है, क्योंकि इस समय जुपिटर आपके सेवंथ हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं और राहु आपके फिफ्थ हाउस में। डेटिंग विल बी देयर, एक नए तरीके का आपका थॉट प्रोसेस जाएगा। एक होता है ना कि बहुत ही डेटिंग करने वाला इंसान जो बहुत गाने गाता है, जो एक फैसिनेटिंग वर्ड में रहता है, जो इंसान बहुत ज्यादा आई कैन से कि इल्यूजन वाली स्थिति में रहता है, ड्रीमिंग ड्रीम लाइफ, जिसकी अपनी एक अलग दुनिया होती है, वो अपनी दुनिया में रहता है, तो वो तब रहता है जब या तो किसी प्यार करे या वो किसी चीज में ऐसी चीज में इन्वॉल्व हो जाए, तो इस समय आप डेटिंग कर सकते हैं। इस समय हो सकता है कि आप अपनी कमाई पे या अपने नेटवर्क से सडनली कट ऑफ फील करें या स्वयं ही कट ऑफ हो जाए, ठीक है। सन जो है आपके टेंथ हाउस के लॉर्ड है, ठीक है, इस समय कहीं ना कहीं आप अपने करियर पे भी ध्यान देंगे, लेकिन वो भी अपने स्टाइल में, यानी कि आपको इस पैशनेट करियर को स्टार्ट कर सकते हैं जहाँ की आप चाहते थे कि मैं ये करूँ, ठीक है। उसके अलावा चाहे पैसा कितना मिल रहा हो, डजंट मैटर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कितना पैसा मिल रहा है, मिनिमम पैकेज में मैं कंप्रोमाइज कर लूंगा, लेकिन मुझे मेरा पैशनेट काम करना है। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आप अपने जॉब बिजनेस सबको बंद करके एक नया जॉब या बिजनेस ज्वाइन कर लें कि मुझे तो ये वाला बिजनेस करना था, अभी सब बंद करके मैं नया स्टार्ट करूंगा, इस तरह के चेंजेस आप इस समय कर सकते हैं। सडनली आपकी इनकम कट ऑफ हो सकती है, सडनली आपकी गेंस कट ऑफ हो सकती है, सडनली जो पहले से नेटवर्क था वो सबको बंद करके आप नए तरीके से अपनी लाइफ को स्टार्ट करने की कोशिश, क्योंकि मार्च 8th हाउस में बैठे हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, वहां पे चीजें खत्म हो रही है फिर स्टार्ट हो रही है, और सन 10th हाउस के लॉर्ड जो कि 11th हाउस में जा रहे हैं, करियर में स्पेशली सबसे ज्यादा इफेक्ट आ रहा है, इसमें आ रहा है, ठीक है। इन चीजों को आप बदलेंगे बड़े लेवल में, ऑलरेडी से जो करियर था, पढ़ाई थी, जॉब था, बिजनेस था, सब बंद, नया, चलो कुछ नया करते हैं, और फिजिकल लेवल पे बहुत ज्यादा इन्वॉल्व करेंगे इसमें। हो सकता है आप अपने लीनेज के बिजनेस में जाएं, अपने फादर फिगर के बिजनेस में एंट्री कर लें, या सडनली आपके दिमाग में प्लान आए कि मुझे तो ये बिजनेस में जाना है या मुझे ये वाली जॉब करनी है, और यू विल डू द थिंग्स। वास्तु से रिलेटेड या प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम भी इस समय आप स्टार्ट कर सकते हैं, या कोई इंटीरियर डिजाइनर डिजाइनिंग वाला काम भी इस समय आप स्टार्ट कर सकते हैं, उसकी कोई शिक्षा स्टार्ट कर सकते हैं कि मुझे तो ये वाला जॉब करना था तो मुझे ये वाली पढ़ाई करनी है। अब चीजें बदल रही है, चीजें बदल रही है, क्योंकि आपका लॉर्ड खुद ही आपको ट्रांसफॉर्म कर रहा है इसमें। लेकिन अगर सिंगल है या डेटिंग भी कर रहे हैं तो इसमें शादी का बहुत ज्यादा आपका योग है। सिस्टर्स वालों की बात करें, सिस्टर्स वालों के लिए ट्रांसफर कर रहे हैं ये आपके टेंथ हाउस में। टेंथ हाउस में सन का ट्रांजिट होना इस समय कहीं ना कहीं आपकी अपीरियंस इन योर वर्क प्लेस बदलेगी, पहली चीज तो ये। उसके अलावा इस समय आप अपने जॉब में कंफर्टेबल अगर नहीं है तो हो सकता है कि इस समय अपने आप को जॉब को बदलेंगे। उसके अलावा एक और चीज मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि इस समय आप
अपने अथॉरिटी लेवल जो भी है, आपके जो बॉसेस जो हैं, जो आपके बड़े सीनियर्स हैं, उनके साथ बड़े लेवल का आपके साथ कोई डिबेट हो सकता है या कोई इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती है जिसकी वजह से आपको सडनली अपनी जॉब को छोड़ना पड़े या सडनली अपने करियर को बदलना पड़े या मोड ऑफ करियर बदलना पड़े। सडनली जॉब छोड़ के आप बिजनेस में जा सकते हैं इस समय, ठीक है। उसके अलावा इस समय आपका बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज भी कैन बी पॉसिबल कि सडनली कोई हेल्थ इश्यूज आ गए, ये आपको लग रहा है कि मैं जो जॉब कर रहा हूँ या जो बिजनेस कर रहा हूँ या जहां मैं हूँ वर्क प्लेस पे वहां मेरी ग्रोथ नहीं है, या आप रूटीनली जो काम होता है उससे वजह से स्टक होने के बाद इंसान इन चीज़ों को बदलता है, इन चीज़ों को चेंज करता है, तो इस तरह की चीज़ें आप इस समय कर सकते हैं। और घर से कोई काम कर लेना या घर वालों के साथ कोई काम कर लेना या सडनली कोई चीज़ों को बिकॉज ऑफ यू आर कंफर्टेबल एट योर वर्क प्लेस, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है और आप उन चीज़ों को बदलना चाहते हैं कि मुझे अब नहीं करना है। जब भी सन और केतु एक जगह पर आते हैं तो कहीं ना कहीं इंसान की ईगो जो प्रॉब्लम है वो बहुत हाई लेवल पर हो जाती है और वो उन चीज़ों को छोड़ना शुरू कर देता है, यानी वो किसी और की पावर के नीचे काम नहीं करता है। केतु इन टेंथ हाउस, कभी इंसान उसके पावर किसी के ऊपर कोई बोल नहीं सकता, उसको कुछ जॉब छोड़ के चला जाएगा। इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं। यू आर स्टक इन योर रूटीन वर्क, यू आर स्टक इन योर वर्क प्लेस नाउ कि बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हेल्थ इश्यूज भी हो रहे हैं, आई वॉन्ट टू चेंज, लड़ाई झगड़ा हो जाना, डिबेट हो जाना, फिजिकली प्रॉब्लम आ जाना, इस तरह की चीज़ें हो सकती है। सडनली चीज़ें बदल रही है, करियर में उठापटक हो रही है। मान लीजिए आपको कोई कहीं ट्रांसफर कर दिया, यू आर नॉट कंफर्टेबल, आई वॉन्ट टू लीव द जॉब, और आप छोड़ के आ जाए कि नहीं मुझे नहीं जाना। सडनली चीज़ें बदल रही हैं बहुत हाई लेवल पर, छूट करके दूसरी चीज़ें पकड़ सकते हैं इस समय, बट चीज़ें छूटेंगी नहीं बिकॉज हेल्थ इश्यूज देयर। उसके अलावा योर एंजाइटी इज देयर, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा हो सकता है कि इस समय आप बिकॉज ऑफ योर पार्टनर, अगर पार्टनरशिप बिजनेस है तो भी टूट सकता है, उसके अलावा बिकॉज ऑफ पार्टनर्स है और बिकॉज ऑफ योर पार्टनर आप अपनी जॉब को छोड़िए, अपनी जॉब को बदलें। मान लीजिए आपका कहीं ट्रांसफर हो रखा है, आपका पार्टनर कहीं और रहता है, तो बिकॉज ऑफ हर या हिम आप उसको छोड़ करके उसके पास आ जाए, कैन बी पॉसिबल, थिंग्स विल बी चेंज, थिंग्स विल बी चेंज। हो सकता है जैसे कोई सडनली जॉब छोड़ के कोई पढ़ाई में चले जाए कि मुझे तो और पढ़ाई करनी है, जॉब छोड़ के पढ़ाई करूंगा, बिजनेस बंद करके मुझे एक और पढ़ाई करनी है, एक डिग्री और होनी चाहिए, एंड यू विल डू द थिंग्स, बी स्पिरिचुअल, दैट इज गुड थिंग फॉर द सिचुएशन। कैप्रिकॉर्न वालों की बात करूँ, आपके ट्रांसिट कर रहे हैं ये आपके नाइन्थ हाउस में, आपके ये एट्थ हाउस के लॉर्ड जो कि नाइन्थ हाउस में इस समय आ रहे हैं, सबसे पहले तो इस समय आपके लिए हेल्थ इश्यूज का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो सकता है। सडनली आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम इस समय आ सकती है, कैप्रिकॉर्न वालों की बात करेंगे, सडनली आपकी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, कोई हेल्थ इश्यू आ जाना, या सडनली आपको लग रहा है कि यार आप जो काम कर रहे हैं आपकी वाइटलिटी है उसमें सडनली कमी आ रही है, आपकी जो जिम्मेदारियां हैं, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें आप लैग फील कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें आपको मिल सकती है। आपका जो रूटीन काम है उसमें सडनली आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है सर, या अगर अपने जो है ना कि मैं डेस्टिनी के अनुसार चल रहा हूँ या मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, सडनली आपको लगेगा कि किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, आपको बहुत फिजिकल लेवल पर बहुत ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा या अपनी फिजिकल जो बॉडी है उसको यूज़ करना पड़ेगा, तब आपकी किस्मत आपका इस समय साथ देगी। यू आर नॉट कम्फर्टेबल एट योर होम ऑल्सो, एट्थ हाउस के लॉर्ड है ना, नाइन्थ हाउस में ट्रांसफॉर्मेशन होकर के बाहर निकल रहे हैं, लेकिन आपके फोर्थ हाउस में इस समय ट्रांजिट, सिक्स हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय मार्स, और फिफ्थ हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय जुपिटर। कहीं ना कहीं आपका ईगो लेवल बढ़ सकता है या सडनली आपको कोई हेल्थ इश्यूज ऐसे आ सकते हैं जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स आए, कुछ आपको लगेगा कि आपको आपकी किस्मत काम नहीं कर रही है, धर्म सपोर्ट नहीं कर रहा है, भगवान की ब्लेसिंग्स नहीं मिल रही है। जुपिटर इज फिफ्थ हाउस इज वेरी गुड प्लेस, लेकिन बिकॉज ऑफ द सन कहीं ना कहीं वो जो टकराव वाली स्थिति है, क्योंकि जुपिटर आ गए हैं सन की जगह और सन आ गए जुपिटर की जगह, एक्सचेंज हो गए, वो फिफ्थ हाउस के कारक होते हैं ना सन, फिफ्थ हाउस उसकी उनकी प्लेस है और जुपिटर, तो वो जो एक्सचेंज हो रहा है तो कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ द सन कहीं ना कहीं उन्होंने जुपिटर को जो है कॉम्बस कर दिया है फॉर द मैं उसकी बात, ठीक। तो कहीं ना कहीं आपको इस तरह की चीज़ें आई, आपकी क्रिएटिविटी कम हो रही है, कहीं ना कहीं आपकी पोस्ट, आपकी जो एनर्जी थी उसमें लैक आप फील कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपने फादर फिगर की हेल्थ का इस समय आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा जितना स्पिरिचुअल रहेंगे उतना बेटर है,
ऐसे कॉम्बिनेशन में इंसान कई बार होता है कि बहुत स्पिरिचुअल पावर के साथ साथ कहीं और चला जाता है, कोई दूसरा धर्म अपना लेता है, मंदिरों के दर्शन बहुत ज्यादा करता है, ट्रैवलिंग इज देयर, बट यू आर नॉट कंफर्टेबल ओवर देयर बिकॉज यू आर फिजिकली बहुत ज्यादा वीक हो सकते हैं इसमें। दूसरा अगर मैं देखती हूँ तो बहुत अच्छा समय है, आप विदेशों में यात्रा कर सकते हैं, जॉब के लिए अच्छा है, एक एनर्जी आएगी, लेकिन बिकॉज ऑफ द जुपिटर और बिकॉज ऑफ द थर्ड हाउस में आपके समय राहु ट्रांजिट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो दोनों कॉम्बिनेशन बन रहे हैं वो आपकी नाइन्थ हाउस में सन अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि जगह जुपिटर की है, सन किंग है, किंग के ऊपर जुपिटर अपना प्रभाव डालते हैं और कहीं ना कहीं किंग की जो एनर्जी है वो लेस हो जाती है, मलमास लग जाता है ना यहाँ पर जब जैसे सन आते हैं रूटीनली, जब हम बात करते हैं सिचुएशन जैसे सन आते हैं तो मलमास वाले एक महीने तक मलमास में रहता है, जनवरी वाला जो एरिया होता है, तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आएगी, इस समय आती है, ठीक है, तो उस चीज़ को आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। वॉच योर वाइटैलिटी, नई चीज़ करें तो भी इसका ध्यान रखिए। एक्वेरियस वालों की बात करूँ, आपके ये सिक्स एट हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं, इस समय डेफिनेटली आप अपने खोल से निकल करके बाहर आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एट हाउस आपका खोल है और सन आपके सेवन्थ हाउस के लॉर्ड हैं जो कि एट हाउस पे आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके सेवन्थ हाउस की एनर्जी एट हाउस में जा रही है, लेकिन आप अपनी जो भी एक, क्योंकि जुपिटर आपके थर्ड हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय, सॉरी फोर्थ हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय, कहीं ना कहीं आप अपने घर से, अपने कोल से या आपकी जो एनर्जी है उसको निकाल करके बाहर लाएंगे। मार्स इस समय आपके फिफ्थ हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, आप इस समय बहुत ज़्यादा यात्राएं कर सकते हैं या आपकी जो वाइटैलिटी है उसको नया आयाम दे सकते हैं, नए लोगों से मुलाकात करना, पढ़ाई के लिए बाहर जाना, जॉब, बिजनेस, इन सब चीज़ों में ना कि एकदम स्ट्रांग इंसान बन करके निकल रहा है। एट हाउस में सन जा रहे हैं, नो डाउट कहीं ना कहीं वाइटैलिटी का प्रॉब्लम आपको आ सकता है, लेकिन बिकॉज ऑफ द मार्स की एनर्जी की वजह से सन जो है सबको सपोर्ट मिलेगा कि नहीं काम करना है, समय एक नई एनर्जी, नई ऊर्जा इस समय आपको फील होने वाली है, क्योंकि सन को कहीं ना कहीं मार्स बहुत अच्छे लेवल पर सपोर्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट है तो समय बहुत अच्छा है, ट्रैवलिंग करेंगे, बाहर जाएंगे, जॉब के लिए बहुत अच्छा समय है, एनर्जी के साथ आगे जाएंगे, फ्यूचरिस्टिक बनेंगे, नए आयाम बढ़ेंगे। उसके अलावा इस समय आप अपने जो आपकी जो रूटीन जो जिंदगी चलती आ रही है ना, लीनिएज जो आपके हैं, जो आपके पुरखे हैं उनका बनाया हुआ जो भी चीज़ है उसको बहुत अच्छे लेवल पर हैंडल करेंगे। उसके अलावा आप घर की जिम्मेदारी भी उठाएंगे कि मैं घर की जिम्मेदारी भी उठा लूँगा, घर का भी काम करूँगा, घर को मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे लेवल पर करेंगे। इस समय आप एक नया रिस्पॉन्सिबल इंसान बनकर के निकलने वाले हैं फिजिकल लेवल पर भी। जो इंसान घर के लिए काम करता है, घर की जिम्मेदारियाँ उठाता है, एक हो सकता है कि इस समय आपको उत्तराधिकारी बना दिया जाए, इस समय आपके ऊपर एक नया बर्डन आ जाए, नई जिम्मेदारी आ जाए कि सारा काम आप ही को करना है, और वो काम आपको अपने कुटुंब के लिए करना है, आपके घर के लिए करना है, आपके फ्यूचर के लिए करना है, बहुत अच्छा समय आपके लिए अगर आप इस चीज को आप कैश करते हैं तो। फर्स्ट हाउस में सेकंड हाउस करना है, समाप्त फर्स्ट हाउस का लॉरी, टाइम आपका बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप उस फिजिकल लेवल को यूज करते हैं तो, अगर आप जिम्मेदार बनते हैं तो, क्योंकि मार्स जो है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारक होते हैं, शोल्डर्स के कारक होते हैं, सपोर्ट सिस्टम के, जितना रिस्पॉन्सिबल बनेंगे, जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर चलेंगे उतना आपकी ग्रोथ होने वाली है। अदरवाइज होगा क्या कि इस समय आपकी वाइटैलिटी एकदम लूज हो जाएगी, आप बिल्कुल आइसोलेशन में जाने वाले हैं, उसके अलावा सडनली आपको हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ एक्वेरियस वालों को, इस समय आपके जो बड़े जो घर में हैं उनके हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके अलावा आपकी जो लिनिएज में, अगर आप किसी कुलदेवी की पूजा करते हैं, पितृदेव की पूजा करते हैं, तो उनका भी आपको ध्यान रखना है, रेगुलरली पूजा करना, रेगुलरली उनका जो भी आप उनको करते हैं रूटीनली वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टाइम अच्छा है, देखिए टाइम बहुत अच्छा है, एट हाउस में सन जाना इज नॉट बैड थिंग, लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदारियाँ दे रहे हैं सन आपको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल। फाइनली बात करती हूँ मैं पाइसेस वालों की, पाइसेस वालों के लिए ट्रांसफर कर रहे हैं आपके सेवंथ हाउस में, बड़े लेवल का डिबेट विथ योर स्पाउस कैन बी पॉसिबल राइट। फर्स्ट हाउस में सबसे पहले तो आपके ट्रांसफर कर रहे हैं राहु, सेवंथ एस्पेक्ट उनकी आ रही है, उसके अलावा आपके थर्ड हाउस में ट्रांसफर कर रहे हैं जुपिटर, उसके अलावा आपके फोर्थ हाउस में ट्रांसफर कर रहे हैं मार्स, तो मार्स फोर्थ हाउस में डेवलेटेड पोजिशन में, मांगलिक एरिया बना रहे हैं, उसके अलावा फोर्थ एस्पेक्ट से देख भी रहे हैं, सन के साथ केतु और बैठ गए,
दो बड़े कॉम्बिनेशन जो बन रहे हैं वो बन रहे हैं आपके डिटेचमेंट विथ योर पार्टनर। इस समय आपको आपकी रिलेशनशिप, आपकी शादी, आपका पार्टनर, उसको बहुत संभाल के रखना है। अदरवाइज दो बड़े प्लैनेट मार्स एंड केतु, और अब जो वहां पर आ गए हैं सन, मिलकर के बड़े लेवल का डिटेचमेंट दे रहे हैं। हो सकता है कोई डिवोर्स वाली स्थिति हो जाए, हो सकता है सडनली आप फिजिकली डिटैच हो जाएंगे, हो सकता है कोई ईगोस्टिक प्रॉब्लम हो जाए, हो सकता है कि कुछ इस तरह की चीज हो जाए जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर से दूर हो। कम्युनिकेशन गैप विल बी देयर, ठीक है। उसके अलावा सन आपके सिक्स हाउस के लॉर्ड, हो सकता है आपके पार्टनर सडनली बीमार हो जाए, हो सकता है कि आपको सडनली लगे कि आपका पार्टनर का या आपका ये रिलेशनशिप है आपके लिए बर्डन है, आपका पार्टनर एज एनिमी आपको फील हो जाए, हिडन एनिमीज और फ्रंट वाला एनिमी दोनों मिलकर के बैठे सिक्स एंड सेवन, आपको लगे कि मेरा एनिमी है और आप यू फील वेरी अनकंफर्टेबल विद दैट। बोल करके दुश्मन बना लेना या लड़ाई झगड़े करना, फिजिकली मतलब प्रॉब्लम होना, या कुछ एक दूसरे की हिस्सेदारी में लड़ाई झगड़ा कर लेना, या हो सकता है मनी मैटर्स को लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर के विथ योर पार्टनर आपको प्रॉब्लम इस समय आ सकती है एंड यू फील वेरी अनकंफर्टेबल राइट नाउ। पाइसिस वालों को तो अपने रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा बचा के समय रखना पड़ेगा, समय अच्छा बिल्कुल भी नहीं। और जब मरकरी यहां पर आ जाएंगे सेवंथ हाउस में, तो उस समय और प्रॉब्लम्स आती है क्योंकि मरकरी जो है पाइसिस में नीच के होते हैं, डेवलेटेड देते हैं, तो कहने के मरकरी और पाइसिस, मरकरी एंड जुपिटर दोनों का कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। नो, बहुत सोच समझ करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। किस तरह के डिबेट करना, किस तरह कोर्ट केस करना, किस तरह की इस तरह की चीजें कर लेना, समाज में आपकी स्थिति खराब हो सकती है इस समय। सेवंथ हाउस आपकी पब्लिक इमेज भी है, समाज आपको किस तरह से देखता है, अवॉइड दिस। आपके दिमाग में जो वेब चल रहा है, जो प्लानिंग्स चल रही है, जो निगेटिव चीजें चल रही है, उसको बिल्कुल आपको अवॉइड करना है। शांति समय गुजारिए, सेटर्न 12th हाउस में ट्रांसिट कर रहे हैं। पाइसिस वालों को तो बहुत ध्यान रखना है, समय अच्छा नहीं है। कोई भी नया डिसीजन ले रहे हैं सोच समझ के लीजिए, चाहे बिजनेस की बात कर लो, जॉब की बात कर लो, पढ़ने की बात कर लो, प्रॉपर्टी की बात कर लो, डोंट डू इट, अवॉइड दिस थिंग। बड़े लेवल का अलगाव इस समय आपको फ्रॉम योर फैमिली मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि मार्स फोर्थ हाउस में है और आपके सेकंड हाउस के लॉर्ड है, ठीक है, यस सेकंड हाउस के लॉर्ड है और वो भी जेमिनाइज में है, तो बात करके या बोल करके बहुत बड़े लेवल की प्रॉब्लम। इसे उसके अलावा कोई प्रॉपर्टी डीलिंग इस समय आपको नहीं करनी, नई कोई लैंड नहीं लेनी है, कोई फिक्स असेट्स इस समय आपको नहीं लेनी है, सोच समझ के पेपर्स पे साइन करना है, दिस नॉट गुड टाइम फॉर यू। उसके अलावा अगर जॉब बदल रहे हैं, बिजनेस बदल रहे हैं, ध्यान रखिएगा मार्स की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, मार्स बहुत स्ट्रांग लेवल पर काम कर रहे हैं इस समय, अवॉइड द न्यू थिंग्स। मेरा छोटा सा नहीं बहुत बड़ा सा वीडियो था आप सभी के लिए फॉर द सन ट्रांसिटिंग इन टू द वर्गोस। समय अच्छा है नो डाउट फॉर द गुड अपॉर्चुनिटीज, लेकिन बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस जो आ रहा है सारे प्लैनेट्स का, उनकी वजह से हो सकता है कि सन में जो सन की एनर्जी हम तक आ रही है उसे प्रॉब्लम्स आए। उसके अलावा सन केतु के साथ ट्रांजिट कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं केतु का बड़ा इन्फ्लुएंस इस समय सन को मिलने वाला है। ट्रैवलिंग विल बी देयर एंड हेल्थ इश्यूज कैन बी डियर। उसके अलावा डिटैचमेंट्स, तो कीप वॉचिंग माय वीडियो एंड ब्लॉग्स एंड स्टे ब्लेस्ड।